मैं ये बताना चाहूंगा कि अब जिस किसी मजहब का जुलूस निकलेगा, चाहे वो मीलाद का जुलूस हो, गणेश का जुलूस हो, रामनवमी का जुलूस हो, हनुमान जयंती का जुलूस हो, जो प्रोसेशन निकलेगा, मेरी आप तमाम से गुजारिश है कि मस्जिद के ऊपर, दरगाह के ऊपर हाई रेजोल्यूट सीसीटीवी कैमरे लगाओ और उसको जब जुलूस जाएगा उसको फेसबुक पे लाइव टेलीकास्ट करना, ताकि दुनिया को मालूम हो जाना कि पत्थर कौन फेंका। समझे ना? असदुद्दीन अवैसी बोले तो बोलते नहीं, तुम तो अपने लोगों की ताईद की बात करेंगे, मगर जब कैमरा दिखाएगा कि चेहरा कुछ और है, पत्थर कोई और फेंक रहा है, तो कैमरा तो कोई मजहब का नहीं होता है ना। तो आपसे मेरी गुजारिश है कि अपनी मस्जिदों के ऊपर हाई रेजोल्यूट कैमरे लगाओ, कैमरे लगाओ ताकि चेहरा दिखना उन चोरों का, उन बदमाशों का, जालिमों का, जो पत्थर फेंक कर हिंदू और मुसलमानों में नफरत की फिजाओं में इजाफा कर रहे हैं और देश को बर्बाद कर रहे हैं। तो मेरी आपसे गुजारिश है कि मस्जिद के ऊपर, बल्कि मंदिर के ऊपर भी लगनी चाहिए, दरगाहों के पास हाई रेजोल्यूट कैमरा, और जहां पर मिक्स लोकैलिटियां हैं, जहां पर हमारे हिंदू भाई और मुसलमान भाई, दलित भाई रहते हैं, आप वहां पर भी लगाओ। क्योंकि महल्ले के लोग क्या बोलते कि कभी हम इन लोगों को नहीं देखे थे जो बाहर से आके ये गड़बड़ करके गए, तो इनका चेहरा भी महफूज होना चाहिए इन चोरों का। कैमरा लगाइए और जब जुलूस जाएगा फेसबुक पर बोलिए लाइव टेलीकास्ट होगा, बैठ के देखिए। तो हजरत पुलिस हुकूमत को जब भी पता चलेगा कि आप झूठे बच्चों के ऊपर झूठे केसेस डालकर उनको जेल नहीं भिजा सकते, आप ये काम हमको करना है।